कहाँ से कर रहा है क्रियांश? क्रियांश कुर्सी सीधा नहीं देख सकता, उसको गिराएगा वो। उसका बाप कर रहा है। चार्जर घीचेगा। और इतनी तबाही मचाई उसने कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ऊपर से मेरा कमर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं जब बच्चे इतना तो परेशान करते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आज है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच और हम जो है कुछ देर पहले मैच ही देख रहे थे, लेकिन जो है क्रियांश आ गया और क्रियांश मुझे नहीं देखने देते थे कुछ भी, अब आपको क्रियांश नहीं देखने देते। बिल्कुल जी, तो पहले जो है किक करके जो है रहा में जो है रोड़ा आना शुरू हुआ, तो एक था पहले मीडियम लेवल का रोड़ा और अब जो है बहुत हाई लेवल का आ गया है। तो जो मीडियम लेवल का था उसमें थोड़ा पार कर जाते, वो तुम थी जो क्रिकेट मैच देखने में थोड़ा सा बाधा डालती थी। अब उसके बाद जो आ गया है बेटा, तो बेटा कोई आगे अब बाप हार जाएगा, क्या करेगा? जो कहीं ना हारे वो बेटे के आगे हारे। और यहाँ पर देख रहे हैं ना ये सब जो पड़ा हुआ है कंगन उंगन, ये सब क्रियांश का फैलाया हुआ है, ये क्रियांश का खिलौना है। देख लिया तो रहने नहीं देगा और इतना तेज से रोता है वो, मतलब लगता है कोई पीट दिया उसको, तो फिर मैं दे देती हूँ, जाओ जो करना है। अभी बज रही थी शाम के 5:45 और अभी जो है जिया अपना कोलैबोरेशन के लिए कुछ इसको शूट करना था, इसलिए साड़ी पहन करके तैयार है, है? और क्रियांश भी बीच में एंट्री मारा और क्रियांश एंट्री मारा तो क्रियांश भी एक शूट जो है साथ दे दिया उसने। तो फिलहाल जी हम लोगों का नाश्ता करने का समय है, तो कुछ ही देर में नाश्ता तैयार होता है और हम चलते हैं। तो इधर माँ के जो है संध्या देने का भी समय हो चुका है, तो माँ जो है अपना आरती दिखाएगी, कोई बात नहीं। और बाकी देख रहे हैं साड़ी आज नया पहनी है दीदी, बाबा के जन्मदिन में जो ब्यूटी आई थी। अच्छा ब्यूटी जो आई थी, ओके अच्छा चलो बढ़िया है। क्रियांश तुम क्या पहन रहे थे? वो तो वही बस खाली एक पुराना जैसा गंजी पहनी रहता है। इसके पास कपड़े की कमी नहीं है, लेकिन एक दिन में कम से कम 5 कपड़ा बनता है, पक्का पक्की 5। तो भाई याद भी नहीं रहता कहाँ कपड़ा कौन है, जो सामने रहता है वही पहना ले। इसको कपड़ा पहनाना भी एगो। तो यहाँ पे बन रहा है सत्तू पराठा, तो यहाँ भी सत्तू पराठा सबके लिए नाश्ते में बन रहा है, तो बनाती है दीदी नमसूद घी में। दीदी बोली कि हम नहीं खाती होगी। हाँ। नहीं दीदी घी नहीं खाती, इसलिए सबसे पहले रिफाइन में दीदी का बनाइएगा, उसके बाद घी। हाँ, कहाँ से कर रहा है क्रियांश? दादी को घींच रहा है पकड़ के, मिलता है दुपट्टा को लेके भाग रहा था, क्या करेगा बजाते हैं इसको। क्रियांश कुर्सी सीधा नहीं देख सकता, उसको गिराएगा वो। बाबा खरीदे मेरे, गिराएगा चार्जर घीचेगा, टूट जाएगा दादी का चार्जर, बाप रे। छोड़ो छोड़ो लल्ला, छोड़ो इसको, देख रहा है क्या कर रही है। नहीं उसको गिराएगा, देखिए आप पकड़ी हुई है ना इसीलिए। तो यहाँ पे दीदी का पराठा बन चुका है, अगर आप पतला करती हैं तो और लंबा होता। बबीता घर की कितना, बबीता तो मेरी घर की मेंबर है ना। हाँ, बीच बीच में कहीं चली जाती है। हाँ, बीच बीच में भाग जाती है, फिर पकड़ के लाते हैं हम लोग, पकड़ के लाते हैं हम। हाँ, जब तक हम जिए तब तक इसको आते रहना है, ऐसे भागते रहेंगे, बुलाते रहेंगे। हाँ, कैसे मैं पैर पे मार रहा है, माए देखिए। तो आज देख लीजिए क्रियांश का बदमाशी, आप लोग कहते हैं क्रियांश बहुत क्यूट सा है, ये बहुत नटखट भी है। उधर से बंद कर दिए, जमीन पर नहीं जगा तो रास्ता था, सब रास्ता देखा हुआ है, देखा सारा रास्ता देखते हैं। पैर से वो मार रहा है, पैर से मार पकड़े तो पैर से मारता है। देखिए वजह क्या कह रहे, तो हमारा नाश्ता हो गया जी और अब बारी है जिया की और बाकी सभी घर वालों की, तो सब एक एक करके अपना कर रहे हैं। और सत्तू पराठा बना है बड़ा बेहतरीन, सब पराठा खाने में अच्छा लगा दीदी? अच्छा, बहुत अच्छा, इसका खाना बना हुआ हमेशा अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, तो बहुत अच्छा लगा, वही कहानी आई थे अच्छा बनाती है, यही नहीं सब दिन अच्छा। तो हमारा जो टेबल था जी वह था वहाँ पर, अब वहाँ से टेबल आ गया यहाँ पर, और वह किसकी वजह से आया है अब देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस शख्स की वजह से। हाँ ओए बस, अब इस कार्टून को भी गिरा दो। ओए 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 यार, दे दो, कार देना, कार देना, कार 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 दे दो। ये देखो क्रियांश, क्रियांश ओए क्रियांश, इधर उधर दे दे बस। ओए क्रियांश ये देखो, ए ओए वो देखो वहां चले गई गाड़ी, जल्दी लाओ क्रियांश उसको,
कोई मतलब नहीं भाई साहब, को कार्टून ही गिराना है अभी। ओए क्रियांश, हाँ कुछ नहीं मिलेगा तो टेबल ही गिरा देगा। हाँ बस ओए क्रियांश बाय कर दो उनको। अरे नहीं पकड़ पाएगा क्रियांश, ओए बाय कर दो बाय। ध्यान है खाली इस पे। तो वहाँ पर चल रहा है जी कार्टून और यहाँ पर चल रहा है क्रियांश का मालिश। क्रियांश का जो मालिश है उसको करने का बस एकमात्र उपाय है कि सामने कार्टून चला देते हैं तब ये मालिश करवाता है, उसे नहीं करवाता, उसे नहीं करवाता है, वरना इसका मन जो है इधर उधर भागते रहता है। तो दो चीज है, एक खाना और एक मालिश। कपड़ा हटा रहा है, कपड़ा हटा रहा है। तो अभी रात के बज रहे हैं 2:30 और हमारा क्रियांश जो है 1 बजे से जगा हुआ है और अभी तक सोने का कोई नाम नहीं है। तो हम लोग रूम से बाहर आ गए और हॉल में क्रियांश खेल रहा है, मैं यहाँ सोफे पे लेटी हुई हूँ। कुछ देर तो मैं उसके साथ खेली और अभी मतलब मुझे लगता है 1.5 घंटे के बाद मैं सोची थोड़ा सा आराम करती हूँ क्योंकि कमर में हो रही है मुझे दर्द और मेरा बेटा जो है सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो यहाँ क्रियांश खेल रहा है। नेक्स्ट डे तो अभी सुबह के बज रहे 8, तो क्रियांश सोया था 4:20 पे और इतनी तबाही मचाई उसने कि मैं बता नहीं सकती। ऊपर से मेरा कमर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब बच्चे इतना परेशान करते हैं झेलना तो पड़ेगा। फिर अभी मुझे नींद ही नहीं आ रही थी तो फिर मैं बहुत देर से जगी हुई हूँ और सभी सोए, क्रियांश सोया, क्रियांश के पापा सोए हैं। उठता है क्रियांश तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो उठ गए हैं जी अभी और आज तो सुबह नहीं उठ, लेटेस्ट एकदम 7 बजे तक तो उठ ही जाते हैं लेकिन आजकल जो है 6:30-5:30 ऐसे उठना होता है हमारा। लेकिन आज जो हम उठे हैं वो उठे हैं 9 बजे। जी हाँ, क्योंकि बेटे ने जो है इतना तबाही मचाया है रात में कि पूछिए मत। और अभी वह सो रहा है मजे में। फिर जब रात में इस तरह से तमाशा चल रहा था तब जिया कहे कि आप जो ऐसा करिए कि सो जाइए। उस समय बज रहे थे 3:00 क्योंकि हमको अगले दिन जो है सुबह उठ करके कुछ काम सब निपटाना था। तो कहे कि आप जो है सो जाइए, हम इसको देखते हैं। तो जिया बता रही है कि वह सोया है सुबह में 4:15। तो सोचिए कितना देर तबाही मचाया है वह। तुम कब उठी सो करके, पता नहीं चला हमको। 7:30 उठी थी, मेरे कमर में हो रहा था दर्द तो नींद ही नहीं आ रही थी तो उठ के बैठ गया। अच्छा, वो लगा लो DFO जेल, आराम मिलेगा। तो यहाँ क्रियांश उठ चुका है, इसको और सोना है। सो जा फिर, कौन उठाया तुमको। तो फाइनली क्रियांश भी उठ चुका है और उठते ही खिड़की पर चढ़ गया है। मम्मा शी कर रहा है, लल्ला उठ रो खिड़की पर चढ़, उठ रो उठ रो उठ रो उठ रो, ये देखो। तो क्रियांश उठ गया, क्रियांश हैं नीनी टूट गई। ओए देख लो और फिर घुस दी क्या बदमाशी। बस इसको दिख रहा है यहाँ रूम में बहुत कुछ फैलाने के लिए, देख रहे हैं। बस इसका चीज ये ज्यादा उधर है। क्रियांश कोई नहीं, दादा दादी भी इसका इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कब उठेगा। अब दो कोई बात, मेरा दादी एक बार पापा है। ये देखो अब उठाइए, अभी भी छोना है। सोया ही है 4:30। नहीं चल पापा काम कर। तो क्रियांश आ गया नीचे, कुछ कुछ खा ला है, कुछ कुछ खा ला है। आज तो तुम नहाया भी नहीं, बाबा नहा लिए बताओ। तो क्रियांश डेली बाबा के साथ नहाता था, नहाने के टाइम पे उठा ही है। आज तो राणा स्नान भी नहीं किया, 10 बजे तक स्नान कर लेता था, आज ये 10 बजे उठाई है। पता हो क्या हो जाता है, कंकर बच्चा है, तबीयत का कोई गारंटी नहीं, बहुत दिन तबीयत खराब हो जाती है तो बच्चा ही है। भगवान इसी तरह पार लगा दे, चलते फिरते जा रहा है, दया होगी तो बीमार होते होते ही बचिए जाएगा। तो क्रियांशी आ गया पापा के पास। क्रियांशी इतना शैतान है पता है आपको, क्या करता है, मेन गेट से अपना खिलौना बाहर दे देता है और ताकि दादी गेट खोले और हम भाग जाएंगे फिर से। इसको से बाहर जाने में मन भी बहुत लगता है।